भोरे भोरे जागिए, भोरे भोरे जागिए, मतदान करिए, बाद में घर आके जलपान करिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आलू हो गया है 50 रुपए, अच्छा 70 रुपए प्याज हो गया है, अच्छा गरीब सब हम लोग भूखे मर रहे हैं। 5 साल पर बदलाव होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। देखिए इन्होंने अंग्रेजी में पूरी बात बता दी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, अच्छा बट ओनली बाय द पीपुल फॉर द पीपुल नॉट। ये बड़ी मार्के की बात इन्होंने कह दी है। इस बात तेजस्वी सरकार बदलाव होने चाहिए। मोदी जी ऊपर में है, जादू जीतेगा। बंद बाटे पौआ लेके अब मिला शराब हो, ठीक है होम डिलीवरी होता घर घर में, आई जाते जाओ काबासी भर में। शिवहर का अपना धार्मिक महत्व भी है। आप जो देख रहे हैं जिस मंदिर के प्रांगण में हम खड़े हैं, बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, कई किंवदंतियां हैं। कहा यह जाता है कि एक ऐतिहासिक महत्व वाला स्वयंभू प्रकट्य शिव हैं, जो यहां पर शिवलिंग है, पूजा करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि देकुली धाम का ये स्थल महाभारत कालीन राजा द्रुपद का गढ़ था। जो मुझे जानकारी यहाँ पर मिली कुछ लोगों से बात करके कि द्रौपदी का स्वयंवर भी यहाँ पर हुआ था, और बताया ये भी जाता है कि लाक्षागृह से जब पांडव निकले थे वहां पर आग लगने के बाद, तो यहीं से उस सुरंग से वो बाहर निकले थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्थल का जिस मंदिर के प्रांगण में हम खड़े हैं कितना धार्मिक महत्व है। और जैसा कि मैंने बताया दर्शकों को दीपक कि यहाँ पर स्वयंभू प्रकट्य शिवलिंग है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? एकदम, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस पावन भूमि पे हम लोग खड़े हैं और शिवहर आए हैं आज। और ये जो चुनावी सफर है हमारा, ये सबसे इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि चलिए चुनावी मूड तो जानते ही हैं, लेकिन साथ साथ हर जिला का जो सबसे मतलब कि भव्य स्थान और परम पूज्य भूमि जो है उसके दर्शन भी हम लोगों को हो जाते हैं। तो भोले बाबा के बारे में यही कहना है, ऐनी हसरनिया में भोला बाबा, ऐनी हसरनिया में भोला बाबा, आहरी हाँ बलाई या हो, आहरली हाँ कष्ट बाबा, आ बुरा समय या हो, ए बाबा हरली हाँ कष्ट भोला, आ बुरा समय या हो। आइए चलिए अब शिवहर की पड़ताल करते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि आखिर यहाँ पर समस्याएं क्या हैं और क्या राजनीतिक मिजाज इस बार है। आइए दीपक, शिवहर का मूड क्या है इस बार, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? शर्मा रहे हैं आप? यस सर, इस बार बदलाव जरूरी है सर, बदलाव हो के रहेगा पूरा शिवहर सीतामढ़ी। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। पूरा नाम? मुकेश कुमार यादव। अरे बदलाव हो के रहेगा सर। जाति वाला एंगल तो नहीं है ना बदलाव के पीछे? हम लोग स्टूडेंट और स्टूडेंट और जो बेरोजगार है उस सब का मांग है, पूरा बदलाव होकर होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? बदलाव होगा, होगा। देखिए हम लोग गरीब आदमी हैं, आलू हो गया है 50 रुपए, 70 रुपए प्याज हो गया है, गरीब सब हम लोग भूखे मर रहे हैं। देखिए लालटेन छाप जिंदाबाद हम की रहेगा। ये लालटेन छाप वाले हैं, इधर आइए। ये देखिए इन्होंने कमल का चिन्ह निशान लगा रखा है चेहरे पे मास्क के तौर पे, क्या माहौल है? बीजेपी जीते, उल्टा क्यों लगा लिया? सीधा पहनिए, जादू जीतेगा, जादू जीतेगा। तो फिर मास्क पर लगाए हुए हैं क्या पता? भाजपा के साथ गठबंधन है, लेकिन लोजपा वाला बीच में बदलाव चाह रहे सर, शिवर बदलाव चाहिए। हम पटेल है, मेरा नाम नागेंद्र पटेल हुआ, शिवर के माहौल है, बदलाव होने चाहिए, बदलाव होना चाहिए। काम नहीं हुआ है यहाँ पर, कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पर कमार है। यहाँ का क्षत्रिय विधायक, यहाँ का क्षत्रिय विधायक कौन पार्टी से है? जदयू से है। काम नहीं हुआ है, हाइटिक लगाने जा रहा है, आज में हाइटिक बदलाव होना चाहिए। हाँ जी, तीर की सरकार बनेगा और किसका सरकार बनेगा? जी एकदम 100%, जी दम 100% आरजेडी सरकार बनेगा, 100% आरजेडी की सरकार भी लोग बनवा रहे हैं, जीडीयू बीजेपी की सरकार। आप जाम भी एक बड़ी समस्या है, सड़कें बहुत चौड़ी है नहीं, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखिए मोटरसाइकिल लगा के यहीं पर निकलनी है। इस बार
लालू का सरकार बनेगा। लालू जी तो जेल में है, लालू जी सरकार बने, तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। इस बार शिवहर विधानसभा से विधायक बदला जाएगा। किनको वोट दिए थे इससे पहले? इससे पहले तो सरफुद्दीन को वोट दिए थे। अच्छा, आप कुछ नहीं किए? क्या किए हैं? दो बार से विधायक बने हुए हैं वो। अच्छा। क्या किए हैं शिवहर के जनता के लिए वो? क्या मोटे भैया क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार तेजस्वी सरकार। हाँ, पक्का तेजस्वी सरकार। ये शिवहर का मुख्य चौराहा है। आप आसपास देख रहे हैं, तमाम कपड़े की दुकानें नजर आ रही हैं, श्री लक्ष्मी गणेश टेक्सटाइल, दुर्गा रेडीमेड सेंटर, और इधर देखिए ये उमेश फैंसी स्टोर्स, ये भी एक कपड़े की दुकान है। आसपास में व्यापारी रहते हैं, बाकी आम लोग भी दिख रहे हैं मुझे। इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और इस बार जनता का मूड क्या है इसे समझने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दीपक, शुरुआत एक गाने के साथ। जी, शिवहर में पहुंचे हुए, पधारे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, युवा चेहरे भी हैं। दो लाइन शिवहर के लिए। आई जा चल जाओ, आइल बा चुनाओ, के करबा लहर हो, के करबा लहर हो, आ देखल जाओ का कहता जिला शिवहर हो। बताइए भैया, काजल वजल लगा के तैयार हो? यूपी का हूँ मैं, वो तो खुशी है वैसे भी हूँ। अच्छा, लोग क्या बोल रहे हैं? आपके ही समाचार ज्यादा ही सुन रहे हैं हम तो। क्या माहौल है इस बार? बस वही है, लालू आरजेडी की सरकार बनेगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा, मतलब कि आप लोग त्रस्त हो गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पे विकास नहीं, कोई विकास नहीं देख नहीं रहे, कुछ भी नहीं है। इतना जिले को बने इतना दिन होगा, अभी कोई निर्माण नहीं हो रहा पुल का। अच्छा, पुल नहीं है? पुल नहीं है, कहीं कहीं खराब है, रेलवे नहीं है, सरकारी भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, सब तो होना चाहिए। चाय की दुकान जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ कोई काम धंधा नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे बदलाव जरूरी है। 5 साल पर बदलाव होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए किसी भी कंडीशन। चाय बना रहे हैं, क्या लग रहा है किसका सरकार बनेगा? तेजस्वी यादव के बनेगा, तेजस्वी यादव। लेकिन आप चाय बना रहे हैं, मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा? मोदी जी ऊपर में है, ऊपर में मोदी जी को। वही मामला है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए। तो मोदी जी प्रचार कर तो रहे हैं जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए। मोदी जी का बात नहीं मानिए? 5 साल 15 साल हो गया, बदलाव चाहिए। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? उकोच गए हैं? हाँ, उकोच गए हैं। आ रहे हैं आप वहाँ से? बदलाव चाहता है लोग, बदलाव का। अच्छा, बदलाव में क्या चाहिए? बदलाव तो पुष्कर प्रिया भी है चुनाव में। विकास का बदलाव चाहिए, विकास विकास हो नहीं रहा है, सिर्फ कागज पर विकास हो रहा है। अच्छा, जमीन पर तो विकास हो नहीं रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है। चाय की दुकान पे जो लोग आते हैं सुबह सुबह, क्या चर्चा करते हैं, क्या बोल रहे हैं? बदलाव चाहिए। ये तो आपने मन की बात कह रहे हैं ना? नाम क्या हुआ? संजय कुमार। संजय कुमार, पूरा नाम? पूरा संजय कुमार है। अरे, चुपा रुस्तम है, बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये आइए इधर भाई साहब, इधर आइए, आपने माला भी पहन रखी है, चश्मा भी है, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल जो है बदलाव का है। 94,000 जो है टीचर का बहाली चल रहा था, अभी तक ले चलिए रहा। नीतीश कुमार का उद्देश्य जो है बेरोजगार रखिए और वोट लेते रहिए। अच्छा। इस बार नहीं चलने वाला है, इस बार बदलाव के मूड में है जनता। अच्छा। सरकार देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी चीज लागू करना बहादुरी नहीं है। हाँ। खाना बहादुरी नहीं है, पचाना बहादुरी। अच्छा। इसीलिए लगाना, जैसे मान लिया कि मान ली आपको शराब के लिए शराबबंदी किया, लेकिन लागू ठीक से नहीं किया, चुरा कर के आ रहा, मिल रहा है। अच्छा। चुरा करके लोग अधिक कर रहे हैं, ज्यादा दाम कीमती तब। इसलिए आई नो वेरी वेल अबाउट द गवर्नमेंट, द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। देखिए, इन्होंने अंग्रेजी में पूरी बात बता दी शिवहर से लोगों को। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, बट ओनली बाय द पीपुल फॉर द पीपुल नॉट। ये बड़ी मार्के की बात इन्होंने कह दी है, ऐसा नहीं हो रहा है। हम समझ गए, आप सही में मिल रहा है। दीपक को सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाएंगे। रोड बाटे टूटल टाटल, अब पुल बा खराब हो, अब बंद बाटे पौआ लेके, अब मिलता शराब हो। होम डिलीवरी होता घर घर में, आई जा चल जाओ काबा शिवहर में। हाँ बिल्कुल, जांच जारी है। अरे बाबा इधर आइए, चले गए कहाँ? अरे इधर आइए। पान खा रहे हैं और आप चलते बने, आपने तो कई सरकारें देखी होंगी। क्या लग रहा है किसका सरकार बनेगा अगली बार?
लालटेन छाप। लालटेन छाप, तो आपने तो लालटेन छाप की सरकार 15 साल चलाई होगी, उस वक्त भी आप रहे होंगे लालू जी के जमाने में। आप चाह रहे हैं कि वापसी हो फिर से? हाँ, तो आप ठीक था। हाँ, बीजेपी वाले कह रहे हो जंगल रास्ता, जंगल रास्ता। वो लालू जी थे, तेजस्वी यादव है, उन्हीं के सुपुत्र है ना, बेटे तो उन्हीं के हैं। बेटे तो क्या हो गया, नौजवान है ना, युवा के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, तो जरूरी है जो लालू जी है वो। अच्छा, शिवहर में लोग मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं कि जाति गिर्दी गिर्द हो रही है गोलबंदी? कुछ नहीं है, बदलाव तो होनी ही चाहिए। जाति गिर्दी कुछ नहीं है, हम तो कुशवाहा है, हम तो यादव है नहीं कि हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे, लेकिन बदलाव जरूरी है। सिर्फ बदलाव चाहिए, यहाँ 5 साल से ज्यादा कोई भी नेता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काम अच्छे से नहीं करते हैं। 5 साल पर चेंज होगा तो सभी को विश्वास है कि बदलाव होते रहेगा। कहने का मतलब दीपक ये हुआ कि जवाबदेही जो है और जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। 5 साल में अगर बदलाव हो तो कम से कम नेताओं को ये पता चलेगा ना, कुछ भी अस्थायी नहीं है। आप जनता के लिए काम करेंगे तो दोबारा जीतेंगे, वरना आपको जनता हटा देगी। यहाँ के विधायक साहब गए थे हमारे गाँव में, तो विधायक साहब ने बोले क्या हुआ, ठीक है, हम गली के इस साल कुछ भी ठीक नहीं है सर, ये देख लीजिए उधर गड्ढा है और उधर नदी है, यही ठीक है। कम्बूट हमने दिखाया दर्शकों को, फिलहाल मुझे और दीपक को यहाँ से इजाजत दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? अरे भोरे भोरे जगिए, भोरे भोरे जगिए, मतदान करिए, बाद में घर आके जलपान करिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो कैमरामैन सुजीत के साथ मैं अखिलेश आनंद और मेरे साथ दीपक ठाकुर भी थे। शिवहर से फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।